एक नियम है कि ऑल थिंग्स मस्ट चेंज एंड ओनली थिंग्स दैट चेंज स्टे अलाइव। ये जरूरत है कि सरासर की विक्रम भट्टी कि वो वक्त की धड़कन को सुन रहे हैं और इस तरह सुन रहे हैं जैसे कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पोस्ट पैंडेमिक फेज में जिस तरह विश्व ने एक करवट ली है उससे पूरा जो पुराना तरीका हमारा जीने का, सिनेमा देखने का, कंटेंट कंज्यूम करने का, सब तौर तरीके सारे बदल गए और हमारी मौजूदा रियलिटी बदली है। ऐसे में एक व्यक्ति है हमारे पास, ये गहना जो मेरे पास विक्रम, इसने अकेले में वो डिस्पेयर से भरे दिनों में अपने आप को एक शिक्षा खुद लाई एंड ही हैज कम सो फार दैट टुडे के सरासर जैसे बहुत ही जो जानकार लोग हैं, जो बाजार की धड़कन से वाकिफ हैं, उनको लगता है कि ये इल्यूजन और बिजनेस का जब तालमेल होता है तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव फिजा बनती है। आई थिंक दिस इज अ फिंगर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स टुमारो, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं रहेगी। इसका लाभ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को होगा, सिर्फ हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मगर साउथ एशिया की फिल्म इंडस्ट्री को और नेबरिंग कंट्री के जो भी एंटरटेनमेंट स्पेस से जुड़े हुए लोग हैं वो आके यहाँ से हमारा ज्ञान जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना हासिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक द वे मूवीज आर गोइंग टू बी मेड विल बी मेड विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस बॉय हैज, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कॉन्टेंट विच लुक स्टनिंग एंड येट बी वेरी रियलिस्टिक इन इट्स कॉस्ट्यूम। वर्चुअल वर्ल्ड का फायदा ये है कि आप, मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो आज तक प्रोड्यूसर जो है वो लोकेशन जाता था, अब लोकेशन प्रोड्यूसर के पास आएगा और जो भी लोकेशन चाहिए वो आपके पास आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग अभी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको सब डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नई टेक्नोलॉजी है तो प्रोड्यूसर के 100 सवाल होंगे और सारे जवाब तो इस वक्त देना मुश्किल है। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जो भी कल्पना आप करें वो हम पर्दे पे ला सकते हैं, कोई भी लैंडस्केप, कोई भी घर, और एक्टर भी उसमें होंगे ये नहीं। ये फ़ायदा है वर्चुअल वर्ल्ड का कि आजकल गेमिंग इंजन्स इतने अच्छे हो गए हैं कि फोटो रियलिस्टिक वर्ल्ड्स बनाते हैं, और अभी जो अनरियल इंजन 5 आ रहा है वो तो और भी पावरफुल है। सतीश जी और के सरा सरा के पास बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको एक प्रेजेंटेशन, 5 मिनट के प्रेजेंटेशन में पूरा सब समझ में आ गया, उनको आने वाले कल की पूरी एक छवि बहुत साफ दिखी। और मेरे जैसा आदमी जो कई दरवाजों पे गया था कल की बात करने के लिए, उनको केसरा सरा जैसी कंपनी मिली जो एक 5 मिनट में कल की बात समझ ली। तो हम जुड़े हैं लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, कोई भी जिसका भी सवाल हो जवाब देंगे और वो दुनिया बनाएंगे उनके लिए। सतीश जी आप क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन आप ही बताएं, एसोसिएशन
के बारे में? नहीं, ये फ्यूचर है और विक्रम भाई ने जो इसके लिए मेहनत की है उसको देख के मुझे उनको बहुत दिल से उनको आभार देना चाहिए कि जो इस समय के हिसाब से उन्होंने जो वर्क किया है और इसको हम एक अप्रिशिएशन के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं और ये आने वाले बॉलीवुड इंडस्ट्री और मीडिया कंटेंट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है।